गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का रिफ्लेक्शन लाइट एंड शेडो, रिफ्लेक्शन लाइट एंड शेडो यानी क्लास सिक्स का, ठीक है। आज इसका हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे इस लेसन का। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, वी आर एबल टू सी इमेज थ्रू ए मिरर। आपको पता है जो भी इमेज हम मिरर के थ्रू देखते हैं, इमेज फॉर्म बाय मिरर यानी फ्लैट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो देखो जो भी इमेज मिरर पे फॉर्म होती है उसके ये फीचर्स होते हैं। रिफ्लेक्टेड इमेज रिटेन्स अ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रिटेन करती है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है तो वो उसके जो इमेज है जो बनेगी वो भी ब्लू ही दिखेगी, ना कि हम अगर ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है तो हमें मिरर के अंदर वाइट दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स रिटेन करती है कलर, वो ही सेम कलर, ठीक है ना। फिर एज इमेज इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड, सीधी होती है बट लेटरली यानी कि उल्टा दिखता है, ठीक है ना। यानी कि दे आर लेटरली, इसका मतलब है लेटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर, जो राइट साइड ऑब्जेक्ट है वो हमें लगेगा लेफ्ट एज लेफ्ट साइड इन द इमेज, ठीक है ना। जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो राइट साइड है, मगर जो इमेज बनेगी उसमें वो लेफ्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू शो आवर राइट हैंड, इसका मतलब है अगर हम अपना राइट हैंड बता रहे हैं, इमेज इन द मिरर विल शो एज द लेफ्ट हैंड, तो हमें उसमें लगेगा जैसे कोई हमारा इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट हैंड की बनेगी, ठीक है ना। अगर हम अपना राइट हैंड शो कर रहे हैं तो इमेज में क्या बनेगी लेफ्ट हैंड की। इन ए मिरर इफ़ यू सी अनदर पर्सन, अगर आप मिरर के अंदर दूसरे बंदे को देखोगे, श्योरली द अदर पर्सन कैन ऑल्सो सी यू इन दैट मिरर। अगर आप किसी बंदे को मिरर में देख रहे हो, वो बंदा भी आपको मिरर में देख रहा है, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स रिफ्लेक्टेड इमेज, फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, ठीक है ना। फॉर्मेशन मिरर एज अ फॉलोइंग, जो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसके ये फीचर्स होते हैं। यानी क्या होते हैं, एक तो वो इरेक्ट होती है, दूसरा वो लेटरली, यानी कि उल्टा राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, ठीक है ना। तो और कलर रिटेन करके रखती है, ठीक है ना। यानी अगर आप वाइट कलर की ऑब्जेक्ट है तो हमें वाइट ही दिखेगा, हमें जो बनेगी वो वाइट ही बनेगी, ना कि वो येलो बनेगी, ठीक है ना। यानी अगर आप किसी को देख रहे हैं वो भी हमें देख रहा है उस मिरर के अंदर, ठीक है ना। सो दिस आर सम ऑफ द फीचर्स। फिर है ल्यूमिनस, ऑब्जेक्ट दैट गिव आवर आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, वो वाले ऑब्जेक्ट्स हमने कल भी ये पढ़ा जो अपनी लाइट खुद देते हैं, जो इमिट करते हैं लाइट, यानी कि लाइट छोड़ते हैं, उसको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कल हमने पढ़ा सन, सन इज़ अ ल्यूमिनस, सन की लाइट अपनी होती है। फिर है मिरर, ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबॉन्ड्स द लाइट बैक इन द सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एक स्मूथ सर्फ। आपने देखा मिरर शीशे की, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक स्मूथ बिल्कुल रफ नहीं, बिल्कुल स्मूथ प्लेन सरफेस, ठीक है ना। विच रिबाउंड, जो लाइट को रिबाउंड वापस छोड़ता है, रिबाउंड करता है बैक यानी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इन द सेम और इन द डिफरेंट डायरेक्शन, उस सेम डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को रिबाउंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोलेंगे हम मिरर, ठीक है ना। अब है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू मीन बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली स्टॉप्स द पैसेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है मगर उसकी पैसेज ऑफ लाइट नहीं, उसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, टोटली पास नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे ओपेक। जैसे वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्टोन, स्टोन के अंदर से लाइट वहाँ पास होती है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल। या उसी लकड़ के अंदर से, या वुड देखो, वुड इज़ ऑल्सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फिर है पिन होल कैमरा, इट इज़ अ डिवाइस, कल हमने इसका पढ़ा फीचर्स स्टेप्स कि कैसे पिन होल कैमरा हम खुद से बना, जैसे हमने बड़ा सा बॉक्स उसके अंदर छोटा बॉक्स डालना है, स्लाइड उसको रखना है, ठीक है ना। तो कल हमने वो पढ़ा था, तो वॉट इज़ इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। पिन होल कैमरा, इट इज़ अ डिवाइस विच फॉर्म्स ए फोटोग्राफ लाइक इमेज, ये ऐसा डिवाइस है जिसे फोटोग्राफ की तरह ये इमेज फॉर्म करता है ऑफ ए ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्क्रीन, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की एकदम से ये इमेज फॉर्म करता है, कौन, पिन होल कैमरा। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होती है लाइट,
इसमें जो मेन चीज़ जो हमें पढ़नी है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होगी, व्हाट इसका मतलब क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। ये आप शीशे का एक एग्जांपल ले लो, जस्ट जब इसके ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ती है, लाइट रिटर्न्स बैक ऑन द सेम विंडो, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उससे टकरा के वापस चली जाती है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। वापस जाती है तो हमारी आंखों के ऊपर वापस जाती है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है ना, लाइट पड़ी तो वो ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, जब वापस गई तो हमारी आंखों के ऊपर पड़ी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज शेडो, शेडो का हमें बोलो छाया, साया जिसको बोलते हैं। अपेक ऑब्जेक्ट सूनर लो लाइट टू पास थ्रू इट, आपको पता है जो अपेक ऑब्जेक्ट्स है अभी हमने पढ़ा, वो कभी अलाउ नहीं करते कि लाइट उनमें से पास है, कार्स डार्क पैचेस बिहाइंड दम, और वो क्या करते हैं, वो लाइट्स पास नहीं होती उनमें से, लेकिन अपने पीछे वो क्या बना देते हैं, डार्क जैसे पैचेस, दीज डार्क पैचेस आर कॉल्ड शैडो, तो उनको उनकी शेडो बननी शुरू हो जाती है क्योंकि लाइट उसमें से पास नहीं होती। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की क्या बोलेंगे, सम जो ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से थोड़ी सी लाइट पास होती है, ऑन देम टू पास थ्रू, सच एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सिंगल थिन शीट ऑफ ए पेपर, एक शीट पेपर की पोलोथीन शीट ले लो, देखो सर्दियों में जब सर्दी होती है तो हम वो लगा देते हैं खिड़कियों के ऊपर पोलोथीन, तो उसमें से थोड़ी कुछ पार्शली कुछ लाइट, पार्टली कुछ लाइट पास होती है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच ए विच ऑल अलाउ ओनली पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट, ठीक है ना, जिसमें से थोड़ी सी लाइट पास होती है, पूरी तरह लाइट पास नहीं होती है, ठीक है ना, सो दैट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज ए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर अगले आपने पढ़ना है बेटा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम, वो वाले ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पूरी तरह पास होती है आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे शीशा, शीशे में से लाइट सारी पास, जो हम घर के अंदर शीशे लगाते हैं इनमें से हमें लाइट सारी आती है, ठीक है, सो दिस इज़ ग्लास है, तो ये क्या दिस इज़ ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से पूरी लाइट पास होती है। अब क्या है सोर्सेज ऑफ लाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट, वो वाला ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आल्सो कॉल्ड ए सोर्स ऑफ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम सोर्स ऑफ लाइट करेंगे, सोर्स ऑफ लाइफ कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसे नेचुरल भी हो सकता है ना, नेचुरल में क्या आता है सन, सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना, एंड आर्टिफिशियल में जैसे आप घर में वो बल्ब जलाते हो, LED जलाते हो, ठीक है ना, या कैंडल जलाते हो, दीज आर द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो देर आर टू, सो एनी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो भी सोर्स है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है एंड कैन बी नेचुरल, नेचुरल भी हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो बच्चों आज हमने ये थोड़ा पढ़ा, ठीक है ना, कि भाई जो प्लेन मिरर है उसमें जो जो इमेज बनाता है उसके क्या फीचर्स है, उस हमें कैसे पता चलता है उसमें क्या कैसे लगती है इमेज, ठीक है, एक तो ये हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, मिरर किसको कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स किसको कहेंगे, पिन होल कैमरा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है ना, शेडो वेरी इंपॉर्टेंट, शेडो किसको होता है, कौन बनाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, तो ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज़ क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट, तो ये हमने आज कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़े, तो आप इन सबको अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को रिवाइज करोगे और अपनी कॉपीज पे लिखोगे, ओके